हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एक आईफोन 15 सेटअप, जो कि आप चेक कर पा रहे हो। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसा आइकन पैक देखने को मिल जाता है। ऊपर आप यहाँ पे देखोगे आपको ऐसा क्लॉक का विजेट देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखोगे आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है, आपको काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको वॉल्यूम बार भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और आपको कुछ ऐसा कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से ये वर्किंग भी है। आपको काफ़ी अमेजिंग सेटअप देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे आपको कीबोर्ड में जो इमोजी स्टाइल है, वो भी यहाँ पे iOS वाला देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको iOS वाला ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप विदाउट रूट के अपने डिवाइस में इसे इनेबल कर सकते हो। अगर आप भी इनेबल करना चाहते हो तो बस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सेटअप के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ तो बता ही दिया है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको फोल्डर की लुकिंग में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हो। आपको कुछ ऐसा बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर का, जो कि काफ़ी अमेजिंग है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखोगे आपको सेटिंग्स का UI है, जो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आपको काफ़ी अमेजिंग यानी देखने को मिल जाता है। और आपका ये जो सेटिंग्स का UI है, आप इसे डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में इनेबल कर सकते हो। जैसे अभी ये लाइट मोड में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, अगर आप यहाँ पे अपने डिवाइस को डार्क मोड में कर लोगे तो अभी ये परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग है। आप देखोगे आपको डार्क मोड में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अबाउट पे आओगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। आपको यानी काफी क्रेजी सेटअप देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन भी काफी अमेजिंग देखने को मिलती है, जो कि आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो काफी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलती है, काफी सारे आपको यहाँ पे क्लॉक के विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, काफी अमेजिंग सेटअप देखने को मिल जाता है। सो मैं अपने डिवाइस को यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ आपको इस सेटअप को कैसे करना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने अपने डिवाइस को यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है। अभी सेटअप को करने के लिए आपको चाहिए होंगी कुछ थीम्स। पहले मैं उन थीम्स के आपको नेम बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे उन थीम्स के साथ सेटअप करना है। सो उसके लिए आपको आ जाना है थीम स्टोर पे। पहली थीम आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है पेसी एक्स, आप यहाँ पे नेम को ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद आपको एक थीम चाहिए होगी यहाँ पे नथिंग नोट, जो कि आप देख सकते हो ये आपको नेम देखने को मिलता है, इसे भी आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। आप ध्यान से देख सकते हो इसका नेम आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक करना है, बैक करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाली थीम को भी डाउनलोड करना है, जिसका नेम आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ब्लैक आलू तक देखने को मिलता है। उसके बाद आपको बैक करना है, यहाँ पे आपको एक और थीम डाउनलोड करनी है, जिसका नेम आपको ये देखने को मिल जाता है। आपको ध्यान से देख लेना है नेम, नेम को सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद बस आपको एक आखिरी थीम डाउनलोड करनी है, जिसका नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है यानीडन 12, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपको इसे भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद बस आपको एक फॉन्ट को डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये वाले फॉन्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप देख सकते हो एप्पल इमोजी स्टाइल आपको देखने को मिलता है, इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे डाउनलोड करने से क्या होगा, आपको जो कीबोर्ड में इमोजी स्टाइल है वो एप्पल वाला देखने को मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे बैक करना है, बैक करने के बाद अब आपको आ जाना है थीम्स पे, जो आपने थीम्स अभी डाउनलोड की हैं। सो सबसे पहले इसमें सेटअप में आपको क्या करना है, ये वाली थीम को सिलेक्ट करना है, जिसका नेम आपको यहाँ पे यानीडन 12 देखने को मिलता है। इस पर आपको क्या करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको सभी टिक को हटा के यहाँ पे सिर्फ होम स्क्रीन पे टिक करना है और इसे अप्लाई कर लेना है। सो अप्लाई होने देते हैं। अप्लाई होने के बाद आपको करना है बैक। सो बैक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको नथिंग नोट थीम को सिलेक्ट करना है, ये वाली जो थीम है इसे सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है और इसे आपको सभी टिक हटा के यहाँ पे सिर्फ आपको जो है आइकन्स और सिस्टम पे टिक करना है। सो यहाँ पे आपको आइकन्स और सिस्टम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कीजिएगा बैक। बैक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आईफोन 15 के वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपको पसंद है उसे अप्लाई कर लीजिएगा अपनी होम स्क्रीन पे। सो अप्लाई पे क्लिक करके सेट एज होम स्क्रीन कर देते हैं। अब आपको बैक आना है, दोबारा थीम्स के सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन पे जो थीम को अप्लाई करना है, उसके लिए आपको दो थीम्स देखने को मिल जाती है। दोनों ही सेम थीम्स है, एक ही क्रिएटर की है, जो कि आप देख सकते हो। आपको ये वाली थीम देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हो इसके क्रिएटर का नेम भी वही है। और आप देखोगे ये वाली जो देखने को मिलती है, इसके क्रिएटर का नेम भी सेम है, ये एक ही क्रिएटर की थीम्स है। दोनों में से आप किसी भी थीम को यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाली थीम को अप्लाई कर लेता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा और इसे सभी टिक को हटा के यहाँ पे सिर्फ मैं लॉक स्क्रीन पे टिक करूंगा और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो अप्लाई करने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है फॉन्ट्स के सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद ये वाले फॉन्ट को आपको इस पे सिलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपको कर देना है बैक। बैक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज थीम पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको स्टेटस बार में आना है।
स्टेटस बार में आने के बाद यहाँ पे जो मैंने आपको थीम डाउनलोड करवाई थी, सबसे पहली थीम जो मैंने डाउनलोड करवाई थी पेसी एक्स, आप देख सकते हो, इसका आपको स्टेटस बार यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका ये जो सेटअप है यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब आपको आ जाना है होम स्क्रीन पे, जो कि आप देखोगे आपको कुछ यहाँ पे ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो आपको ऐसा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको ये वाला जो विजेट है यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब आपको क्या करना है, पिंच इन करना है स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको आना है विजेट्स वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको चले आना है ऑल विजेट्स सेक्शन में। यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा। ऑल फाइल्स पे क्लिक करने के बाद एंड्रॉइड विजेट्स पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी क्लॉक के लिए वो वाला विजेट सिलेक्ट करना है जो थीम आपने लॉक स्क्रीन पे अप्लाई की है। लॉक स्क्रीन के लिए मैंने आपको दो थीम्स बताई हैं, सो उन दोनों थीम्स में से आप जो भी थीम लॉक स्क्रीन पे अप्लाई करोगे उसी थीम का आपको यहाँ पे जो है क्लॉक का विजेट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ये वाली थीम अप्लाई की है तो मैं इसका क्लॉक विजेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बस आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है, आपका ये सेटअप रेडी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे जैसे आप कोई भी म्यूजिक प्ले करोगे आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सो यहाँ से वॉल्यूम को डाउन करते हैं। यहाँ पे मैंने म्यूजिक को प्ले किया, आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड भी शो हो रहा है जो कि काफी अमेजिंग है। यहाँ पे आप देखोगे वर्किंग है, यहाँ से आप पॉज प्ले प्रीवियस नेक्स्ट इजिली कर सकते हो, जो कि आपको काफी अमेजिंग देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार भी आप चेक करोगे, कंट्रोल सेंटर भी चेक करोगे आपको अमेजिंग देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन पैनल भी आपको यहाँ पे अमेजिंग देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे आपको जो सेटिंग्स का यूआई है वो भी यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देखोगे ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे डार्क मोड में भी अप्लाई करते हो तो भी आपको अमेजिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आप चेक कर पा रहे हो। यहाँ पे आपका टोटली जो है चेंज हो जाता है, जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको यहाँ पे इमोजी स्टाइल भी चेक करवा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे iOS वाला देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। हर जगह आपका ये वर्किंग करेगा, इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में जहां पे भी आप वर्क करवाना चाहते हो वर्क करेगा आपका, काफी अमेजिंग आपको ये देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इसकी लॉक स्क्रीन की तो आप देखोगे वो आपको कुछ ऐसी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाता है ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी ये वर्किंग भी करेगा और नोटिफिकेशन भी आपको इस डायनेमिक आइलैंड में शो होगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और आप यहाँ पे डबल टैप करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्लॉक के विजेट्स देखने को मिलते हैं, 70+ आपको ये विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, ऊपर भी आपको काफ़ी विजेट्स देखने को मिलते हैं, नीचे भी आपको यहाँ पे विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे आपको फोकस मोड भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा फोकस मोड देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखोगे स्लाइड डाउन करोगे तो आपको स्टैंड बाय मोड भी देखने को मिलेगा, डबल टैप करके इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो, स्लाइड अप करके आप इसे अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद देखोगे बीच में डबल टैप करोगे तो आपको यहाँ पे जो एओडी मोड देखने को मिल जाता है, नीचे स्लाइडर पे डबल टैप करके इसके भी स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो, डबल टैप करोगे बीच में तो दोबारा आपकी स्क्रीन आ जाएगी, जो कि काफी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस लॉक स्क्रीन का फुल सेटअप आपको कैसे करना है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसका थंबनेल आपको साइड पे शो हो रहा है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। आप जो थंबनेल आपको साइड पे शो हो रहा है इस वीडियो को चेक कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और जो आपको आई बटन पे भी ये वीडियो शो हो जाएगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और जो ये आपको डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर्स हैं वो यहाँ पे मेरे फोन में तो वर्किंग नहीं है, अगर आपके फोन में वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और आपको ये डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आपको जो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है उसका नेम आपको ये लिखना है, जो कि आप देख सकते हो अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे आपको JIBON लिखना है, जो कि आप देख सकते हो ऐसा फोल्डर क्रिएट कीजिएगा और उसमें वॉलपेपर्स को पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपके वर्क करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं किसी फोन में ये वर्क कर रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ पे जो दूसरी थीम बताई है लॉक स्क्रीन के लिए, उसमें भी मेरे यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर्स वर्किंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपके वर्क करते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। सो ये आपको काफी अमेजिंग यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। सो ये थी आज की कुछ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।